हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें हम शुक्र नीति कर रहे थे, जिसमें आचार्य शुक्राचार्य जी हैं इनके व्यूज को कर रहे थे। लास्ट सेशन में हमने इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन की, जो शुक्राचार्य जी हैं इनको हम वीनस प्लैनेट हैं वो कहते हैं, जो हमारे ब्रह्मांड में यूनिवर्स में सप्तऋषि हैं इनका स्टेटस दिया गया है। जो असुर हैं इनके वो गुरु माने जाते हैं, जो गुरु बृहस्पति जी हैं एंड गुरु शुक्राचार्य हैं, जे दोनों साथ में ही पढ़ते थे। जब इन्होंने देखा कि दैत्य के साथ अनजस्ट हो रहा है, तो जे दैत्य को अपने शिष्य बनाते हैं, इसीलिए जे दैत्य के गुरु कहलाते हैं। तो आज हम इस सेशन में जो शुक्राचार्य जी हैं, शुक्र नीति है उनकी, इसमें हम करेंगे स्टेट एंड इट्स फंक्शन, स्टेट के और गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो पहले करते हैं थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट। तो स्टेट का जन्म कैसे हुआ, इसके रिगार्डिंग शुक्राचार्य जी हैं वो टू थ्योरीज को डिवाइड करते हैं। पहले वो प्रोवाइड कराते हैं डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ द स्टेट। वो कहती है एक स्टेट का जन्म कैसे होता है, इसका डिवाइन टच है। जैसे मनु ने डिफाइन किया था कि लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर उनसे जे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको प्रोटेक्शन दीजिए, इसीलिए एक राजा का जन्म होता है, एक स्टेट की उत्पत्ति होती है। लाइक दिस गुरु शुक्राचार्य भी जे ही मानते हैं कि एक स्टेट का ओरिजिन कौन सा है, डिवाइन ओरिजिन है। तो जो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी को ही एक्सेप्ट करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को नहीं मानते हैं। एंड उसके बाद स्टेट के एलिमेंट्स की थ्योरी देते हैं, जिसको ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट कहा जाता है। जैसे हमने मनुस्मृति किया था, इसमें सप्त अंग थ्योरी कहा था, सेम वही थ्योरी है जिसको जो शुक्राचार्य जी है वो ऑर्गेनिक थ्योरी कहते हैं। तो हम इसको सप्त अंग थ्योरी भी कह सकते हैं। तो सप्त अंग थ्योरी या फिर ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, जिसमें स्टेट के 7 एलिमेंट्स हैं वो डिफाइन किए गए हैं। तो शुक्र नीति सपोर्ट्स द आइडिया दैट स्टेट इज एन ऑर्गेनिक होल एंड द किंगडम इज एन ऑर्गेनिज्म ऑफ द 7 लिम्ब्स। इसका मीनिंग क्या हो गया, शुक्र नीति भी जी सपोर्ट करती है, जैसे हमारी बॉडी है वैसी ही एक स्टेट है, जो स्टेट के फंक्शन है, किंगडम है, इसको डिफरेंट डिफरेंट 7 लिम्ब्स हैं, 7 बॉडी पार्ट्स हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 7 पार्ट्स कौन से हैं, इनमें से सबसे पहला आता है सॉवरेन। सॉवरेन को उसने क्या कहा है, हेड कहा है। कहते जैसे हमारा हेड है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही एक सॉवरेन, एक राजा है, पूरे राज्य को प्रोटेक्ट करता है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है, लोगों के दुख तकलीफ है इनको दूर करने की कोशिश करता है। उसके बाद मिनिस्टर्स कहा गया है, उन्होंने कहा है एक सॉवरेन मिनिस्टर्स के बिना रूल नहीं कर सकता है, इसीलिए मिनिस्टर को अच्छे से जांच पड़ताल कर ही अपॉइंट करना चाहिए। और मिनिस्टर्स को किसका स्टेटस दिया है, आईज का स्टेटस दिया है। जैसे हम अपनी बॉडी में जो भी चारों तरफ देखते हैं आईज से देखते हैं, वैसे ही एक राजा के जो मिनिस्टर है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में काम करते हैं और उसकी नॉलेज राजा को देते हैं, इसीलिए वो क्या हो गए, आईज हो गए। उसके बाद आता है कोष। कोष को हम ट्रेजरी कहते हैं, धन कहते हैं, जिसको माउथ से कंपेयर किया गया है, जिसके पास साउंड फिनांस होगा वो राज्य ही शक्तिशाली कहलाएगा। तो इसी के लिए हमारा माउथ जो भी खाता है, माउथ से हम खा रहे हैं, अपने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं, इसीलिए एक ट्रेजरी एक स्टेट का माउथ माना जाता है। उसके बाद आता है पूर जनपद। पूर जनपद का मीनिंग क्या है, टेरिटरी होगी और उसकी पॉपुलेशन होगी, इसको लेग्स कहा गया है। अगर हमारी लेग्स हैं, लेग्स साउंड होंगे, तब तक हमारी बॉडी किसी के आगे नहीं झुकेगी, इसीलिए उसकी टेरिटरी, उसमें रहने वाले लोग हैं वो धर्म के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हो, चाहे वो असुरों के गुरु थे, लेकिन वो असुरों में भी धर्म नीति को ही एक्सपेंड करते थे, उसके ही सपोर्टर माने जाते थे, इसीलिए स्ट्रॉन्ग लेग्स का होना बहुत जरूरी है, जिसको वो एक पॉपुलेशन से कंपेयर करते हैं। दुर्ग, दुर्ग को वो कहते हैं आर्म्स हैं, दुर्ग मीन्स फोर्टिफाइड फोर्ट्स हो गए, जो हमारे बड़े बड़े किले हैं, तो उसकी भुजाएं मानी गई हैं। सेना जिसको हम आर्मी कहते हैं,
इन्होंने सायना को माइंड कहा है। माइंड का मीनिंग जो भी हमने एक्शन लेना है, एक्शन कौन लेगा? सायना ही लेगी। इंटरनल या एक्सटर्नल अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है उसको कंट्रोल कौन करता है? आर्मी करती है। और उसके लिए दिमाग से हमको काम लेना है, ना कि दिल से काम लेना है, इसलिए इनको वो माइंड मानते हैं। और उसके बाद है मित्र, जिसको हम ईयर्स कहते हैं। मित्र फ्रेंड्स हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारे प्रपोजल है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो कैसे इसको एक्सेप्ट करती हैं, वो कैसे ट्रीट करती हैं, हमारे प्रपोजल हैं, प्रपोजल को कैसे देख रही हैं, इसकी इंफॉर्मेशन हमको मित्र ही बताते हैं। किसने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया, खुशी से किया या फिर डर से किया, इसकी इंफॉर्मेशन हमको हमारे मित्र ही देते हैं। इसीलिए इसको ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट कहा गया है। तो ये होगी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट। तो स्टेट के जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, इसको भी शुक्र नीति में डिफाइन किया गया है। इसको स्टेट के फंक्शन या फिर गवर्नमेंट के फंक्शन भी कहा जा सकता है। तो वो कहते हैं, शुक्र बिलीव दैट इट वाज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज ग्रेजुअली इवॉल्व्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जो शुक्र नीति बिलीव करती है वो कहती है कि स्टेट के जो फंक्शंस आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है जे ऐसा ही हमेशा चलते रहेंगे, तो जे टाइम के साथ ग्रेजुअली चेंज होते जाते हैं, स्टेट के फंक्शंस हैं इंक्रीज होते जाते हैं। इन्होंने क्या कहा है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें स्टेट के फंक्शन टाइम के साथ हमेशा ही इंक्रीज होते हैं, चेंज होते हैं। इसीलिए एक राजा को वही काम नहीं करना चाहिए जो पहले से डिफाइन है। एक स्टेट के काम टाइम के साथ और भी इंक्रीज हो जाते हैं, नई रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग भी काम करना चाहिए। किंग शुड नॉट कन्फाइन हिज एक्टिविटीज ओनली टू एसेंशियल ड्यूटी ऑफ डिफेंडिंग बट आल्सो इनकरेज एग्रीकल्चर। उन्होंने कहा कि जो एसेंशियल एक्टिविटीज है, एसेंशियल ड्यूटी कौन सी है, प्रोटेक्ट करना, इंटरनली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, एक्सटर्नली किसी फॉरेन कंट्री से, नेबरिंग कंट्री से वॉर को प्रोटेक्ट करना, अपनी टेरिटरी को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। और इसके अलावा जो हमारा मेन ऑक्यूपेशन है उस टाइम एग्रीकल्चर था, तो वो कहते हैं एग्रीकल्चर को प्रमोट करना भी एक राजा की ही ड्यूटी है। गवर्नमेंट शुड कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द गैम्बलिंग हॉल्स। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप करके जो सोशल फंक्शंस है, जैसे गैम्बलिंग हॉल है, प्रोस्टिट्यूट हाउसेस है, ड्रिंकिंग शॉप्स हैं, इन सब के वर्किंग के ऊपर कंट्रोल लगाना जरूरी है। इनको रिस्ट्रिक्टेड मैनर में ही वर्क करना चाहिए, इसीलिए सरकार का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पूरी सोसाइटी में डिसहार्मनी क्रिएट हो जाएगी। उन्होंने लाइसेंस पॉलिसी है, इसको भी फेवर किया है फॉर हंटिंग एंड बेयरिंग आर्म्स। आज के टाइम में भी अगर हम कहते हैं आर्म्स अगर हम अपने घर में रखना चाहते हो, इसके लिए लाइसेंस होना चाहिए, तो इसको शुक्र नीति ने पहले ही डिफाइन कर दिया था। इस तरह हम जो कहते हैं, जो शुक्र नीति है वो थ्रेटिकली प्रैक्टिकली भी इम्पोर्टेंट है, जिसकी पॉलिसीज को हम आज मॉडर्न टाइम में भी अडॉप्ट कर रहे हैं। पंच ऑफ स्टेट अथॉरिटी मीन्स पंची करना कि जे हमारे ही कंट्री का है, जैसे हमारी मनी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, आरबी अपनी स्टैंप लगाती है, इसको पंचिंग कहते हैं। स्टेट अथॉरिटी की पंचिंग होना बहुत जरूरी है, चाहे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, ऑर्नामेंट्स हो, ज्वेल्स हो, एनिमल वेल्थ हो, वो हमारी ही कंट्री है, इसके लिए पंचिंग होना बहुत जरूरी है। तो जे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं जो स्टेट के शुक्र नीति में डिफाइन किए गए हैं। और उसके बाद हम करते हैं स्टेट फिनांस एंड टैक्सेशन पॉलिसी। जो स्टेट का फिनांस है, जिसको कोष कहते हैं, जिसको माउथ कहते हैं, वो कैसा होना चाहिए? तो जो शुक्र नीति है, शुक्रा हैड लेड स्ट्रेस ऑन साउंड स्टेट फिनांस, कहते स्टेट का फिनांस साउंड होना चाहिए। अगर आपका साउंड स्टेट फिनांस नहीं होगा, उसके बिना आप अपने दुश्मन पर कभी भी विजय नहीं पा सकते हो। An overflowing national treasury was most essential for national development and prosperity. आपका खजाना कभी खाली नहीं, overflow होना चाहिए।
जिससे आप पूरे देश में वेलफेयर एक्टिविटीज हैं वो कर सकेंगे, नेशनल डेवलपमेंट होगी, नेशनल प्रोस्पेरिटी होगी, सोशल वेलफेयर होगा। इसके लिए आपको मनी चाहिए और मनी के लिए जरूरी है आपका खजाना ओवरफ्लो होना चाहिए। इन्होंने साउंड स्टेट फिनांस को कहा है जिसमें आपका खजाना पूरा भरा होना चाहिए, इसकी बात कही है। और इन्होंने जो टैक्सेशन पॉलिसी है बहुत अच्छे से डिफाइन की है, इसमें कहा है टैक्स शुड नॉट एक्सीड, जो टैक्स है वो इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट बताई गई है। अगर कोई प्रोडक्टिव लैंड है इस पर 50% से ज्यादा टैक्स नहीं लगाया जा सकता जो भी उसकी प्रोडक्शन होती है। अगर कोई बैरन लैंड है उसकी प्रोडक्शन का 16% तक ही मैक्सिमम टैक्स लगाया जा सकता है। एंड जो एसेंशियल डे टू डे कमोडिटीज हैं उन पर 3% टैक्स है वो ही लगाना चाहिए। तो एसेंशियल कमोडिटीज पर ओनली 3% की बात करें हैं, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज पर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पर डिफरेंट टैक्स पॉलिसी होनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा जो टैक्स से आपको इनकम अर्न होती है उसका एक्सपेंडिचर, जुडिशियस एक्सपेंडिचर कैसा होना चाहिए, जो किंग के कंफर्ट्स है, उसकी पर्सनल लाइफ है, उस पर लिस्ट बहुत ही कम खर्च होना चाहिए। तो ज्यादा इस टैक्स से जो भी पैसा कलेक्ट होता है उसको कलेक्टिव वेलफेयर के लिए यूज करना चाहिए। तो सोशल वेलफेयर के लिए ज्यादा एक्सपेंडिचर होना चाहिए, एक राजा के अपने कंफर्ट्स पर कम पैसा खर्च होना चाहिए। तो उन्होंने जे टैक्स पॉलिसी को डिफाइन किया है। और उसके बाद जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वो कहती है एक स्टेट में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। तो जो शुक्र नीति है बहुत ही अच्छा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको डिवेलप करती है। ही प्रिस्क्राइब डिफरेंट पनिशमेंट्स फॉर डिफरेंट क्राइम्स, वो कहते हैं हर एक क्राइम की डिफरेंट पनिशमेंट होनी चाहिए। वो ये नहीं कहते कि सब क्राइम्स के लिए एक ही पनिशमेंट होनी चाहिए, वो साइंटिफिक थ्योरी है उसको प्रोवाइड कराते हैं कि फाइन कैसे लगाना चाहिए, पनिशमेंट है वो कैसे होनी चाहिए। अगर आप किसी पर फाइन इम्पोज कर रहे हो, कहते फाइन शुड नॉट बी मेड एज अ सोर्स ऑफ इनकम, कभी भी राजा को ये नहीं मानना चाहिए कि अगर मैं जनता पर फाइन लगा रहा हूँ इससे मेरी इनकम है, मेरा कोष है वो भर जाएगा, तो इसको इनकम नहीं कंसीडर करना चाहिए। तो फाइन ऐसे लगाना चाहिए जिससे लोगों पर बर्डन भी ना हो और आने वाले टाइम में वो दोबारा से वो क्राइम भी ना कर पाए। तो पनिशमेंट की फाइन की बहुत ही साइंटिफिक थ्योरी बताई है। उन्होंने कहा है जो ह्यूमन की लाइफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए डेथ पेनल्टी है बहुत ही कम होनी चाहिए। तो जस्टिस कैसा होना चाहिए, चीप एंड क्विक जस्टिस होना चाहिए। अगर हम डिले से जस्टिस देंगे तो इसका मीनिंग है जस्टिस का मीनिंग ही नहीं है। अगर हमारे कंट्री की बात करते हैं जिसमें जस्टिस में हमको 10 साल 15 साल लग जाते हैं, तो जब हम कितने सालों बाद जस्टिस मिलता है तो उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाती है, इसीलिए वो क्विक एंड चीप जस्टिस की बात करते हैं। वो कहते हैं जस्टिस धर्म के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन कस्टम्स कन्वेंशंस, इसके लिए जो भी धर्म है राइट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और जस्टिस देते हुए पब्लिक ट्रायल है इसको फॉलो करना चाहिए, मीनिंग सीक्रेट रूम में आपको पनिशमेंट नहीं देनी है, आपको भरे दरबार में जिसमें आम जनता है वो भी आ सके पब्लिक ट्रायल होना चाहिए। और जो डेथ पेनल्टी है अगर जरूरी हो तभी देनी चाहिए। तो जो डेथ पेनल्टी दी जाती है वो राजा के द्वारा इधर भी प्रोनाउंस्ड बाय द किंग और एट लीस्ट इन हिज प्रेजेंस, डेथ पेनल्टी तभी दी जा सकती है। ऐसा नहीं है राजा को नहीं पता कि किसी को डेथ सेंटेंस भी दी गई है, इसीलिए डेथ पेनल्टी को बहुत सोच समझकर यूज करना चाहिए। और इसके लिए वो कहते हैं जब भी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है इसमें जजेस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो जजेस की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो पहली बात वो कहते हैं वो इम्पार्शियल होना चाहिए, तो मीनिंग वो किसी के साथ पार्शियलिटी ना करता हो, उसको वेद की नॉलेज होनी चाहिए, उसने चारों वेदों का ज्ञान हासिल किया हो, वो धर्म के अकॉर्डिंग आचरण करता हो, वो जो लॉ है लॉ को इंटरप्रेट बहुत ही ऑथेंटिक वे से करता हो, ऐसा नहीं है पर्सनल मैटर से ही लॉ को वो डिफाइन कर दे, तो उसके पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स मैटर नहीं करते,
चाहे उसके अंगेज क्यों ना हो, लेकिन वो लोग को ऑथेंटिक मैनर में सही वे से ही इंटरप्रेट करेगा। और जो जजेस हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए शुक्र नीति कहती है जे पोस्ट हेरिडिटरी नहीं हो सकती, इसके लिए मेरिट है, हमको सिर्फ वो ही काउंट करनी चाहिए, मेरिट को कंसिडर करके जज को अपॉइंट करना है। और इसके लिए वर्ना सिस्टम आता है, इसमें कहते हैं सबसे पहले ब्राह्मण है उसी को ही जज अपॉइंट करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास वैश्य और क्षत्रिय जाएं उनको डिनाई नहीं करना चाहिए, अगर उनमें मैरिट्स हैं उनको भी जज बनाया जा सकता है। लेकिन शुक्र नीति अगेन शूद्र एंड वुमेन के रिगार्डिंग कहती है इनको इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माना गया है। तो शूद्र एंड वुमेन आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ जजेस, इस तरह उन्होंने जज की जो अपॉइंटमेंट है इसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन दी है। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में स्टेट है, स्टेट के फंक्शंस है वो के हैं, नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे किंगशिप। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।